मुझे कमर में दर्द था बैक में इधर हिप्स के ऊपर वाली जगह पे कूल्हे पे बहुत दर्द था और मैं बिल्कुल टेढ़ी हो रही थी मुझसे चला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी इन्होंने बोला भी आचार्य जी ने कि आप तो बिल्कुल टेढ़े हो रहे हो तो फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उस दिन के बाद से ही मेरे को धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया और मैंने दस दिन की थेरेपी ली है मैं 95 से ज्यादा परसेंट ठीक हूँ और अब मैं खूब चल पा रही हूँ घर का काम भी खुद कर पा रही हूँ अच्छा मैं आपको कैसे मानू की क्यूँकी मैं सही चल रही हूँ और मैं मतलब खुशी होती थी पहले मैं थोड़ी टेढ़ी हो गई थी चलने <laughs> से की और अब मेरा मन करता है कि मैं मंदिर में भी जाऊँ सत्संग में भी जाऊँ अब शिवरात्रि अब मेरा अब मैं अंदर से ही खुश हूँ जो अंदर की खुशी होती है वो तो देखने से पता चल जाती है थी अपने ट्रीटमेंट के लिए उससे पहले मैंने दो दिन प्राइवेट लिया था डॉक्टर से दवाई लेने के बाद प्राइवेट, प्राइवेट किसी नहीं नहीं मतलब वो जो ऑर्थो के डॉक्टर थे प्राइवेट वहाँ कराया था ठीक है तो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है मेरा तो प्राइमस में मैक्स में मतलब कपूर में सब जगह हो सकता है वहाँ पे मैंने प्राइवेट डॉक्टर को जो दिखाया वो जो हमारे पैनल में नहीं था वहाँ दिखाया वहाँ मैंने दो दिन दवाई ली और एक्सरसाइज बताई उन्होंने तकलीफ क्या थी तकलीफ मुझे कमर में दर्द था बैक में इधर हिप्स के ऊपर वाली जगह पे कूल्हे पे बहुत दर्द था और मैं बिल्कुल टेढ़ी हो रही थी मुझसे चला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी परंतु यहाँ पे मुझे ये किसी ने बताया था मुझे कि यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी आराम आ जाएगा जैसे ही मैं पहले दिन आई इन्होंने देखा आचार्य जी ने मुझे तो मतलब मैं बिल्कुल रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल टेढ़ी में चल रही थी तो डॉक्टर इन्होंने बोला भी आचार्य जी ने कि आप तो बिल्कुल टेढ़े हो रहे हो तो फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उस दिन के बाद से ही मेरे को धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया और, और मैंने दस दिन की थेरेपी ली है मैं नाइन्टी फाइव से ज़्यादा परसेंट ठीक हूँ और अब मैं खूब चल पा रही हूँ घर का काम भी खुद कर पा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत भी मतलब दिक्कत शुरू होते ही ना आचार्य जी के पास आ जाना चाहिए और बशर्ते कि हम वेट करें कि दवाइयों से ठीक होंगे यहाँ पे थेरेपी से न्यूरोथेरेपी जो है ये बहुत अच्छी है और सबको ही थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मतलब दिक्कत हो तो यहाँ पे आ जाना चाहिए

शुक्रगुजार गुजार हूँ की ये इन्होंने अपना यहाँ पे खोला हुआ है ट्रीटमेंट और हमें ठीक करने के लिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। बाबूजी जी ये आपके लिए बता रही हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करती हूँ और हमें यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ न कोई दवाई न कोई साइड इफेक्ट अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है ये पहली बार नहीं आई है इससे पहले भी तो पहले भी मैं आई थी पहले मैं आई थी उसके बाद में ठीक हो गई थी जैसे मतलब पांच दस दिन की थेरेपी ली थी तो जो भी थी कमर में ही पे, दिक्कत थी मुझे पर अब दूसरी जगह थी अब जो है कूल्हे की तरफ थी पहले मेरे को बीच में थी रीढ़ की हड्डी में जो होती यहां पे अब अब अलग जगह थी अब इन्होंने दस दिन के ट्रीटमेंट के लिए मुझे बोला तो मुझे अब मैं पूरी तरह से फिट हूँ अब मैं सब काम घर के भी कर पा रही हूँ देख पा रही हूँ और कोई ये नहीं कि मुझे अपने आप को ये लगता है कि मैं बीमार हूँ अब मैं पहले मेरा बेटा मेरे साथ आता था और अब मैं अकेली आती हूँ क्या बात है तो वैसे भी मतलब ये संदेश ये है कि वैसे भी डेंटिंग पेंटिंग अगर कोई व्यक्ति अपनी कराता रहता है हाँ जी साल में पांच सात दिन के लिए दस दिन के लिए जो ट्रीटमेंट कराते रहते हैं हाँ जी, हाँ जी। उन्हें हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती मेरी बेटी यही बात बोल रही थी मुझे कि मम्मी आप साल में ना दो बार तो आप चले और दक्षिणा देने के लिए आना पड़ता है ना वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई बात होती है बात होती है कैसे दसवंत होता है ना हो जाता है आपके कितना अच्छा लगता है कि जब हॉस्पिटल में गए दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं हुआ। और इधर और जब मेरे पास आए तो मैं लिखा है घर के और बाकी लोग भी बोलते हो गए बोलते हैं की ठीक हो गई है, है? है। तो मैं खाना हाँ, नहीं बना रही थी सुबह ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे की मैं वो बहुत नहीं है ना तो बेटी की शादी हो गई तो वो अपने आप ही रोटी बना के लेके जाते थे तो वो मुझे बोल रहे थे कि ऐसा कब तक चलेगा तो मैं ठीक हो गई तो मेरी बेटी को फोन करके बोल रहे थे अब तुम्हारी मम्मी ठीक हो गई है बिल्कुल कहाँ से इलाज करा रही है उनको मैंने यहाँ का नहीं बताया क्योंकि वो तो मुझे कपूर में मैक्स में वहाँ हमारा फ्री है वहाँ भेजना चाहते थे पर मुझे पता था मैं वहाँ ठीक नहीं होंगी मुझे यहीं ठीक होना है मुझे ये विश्वास था पूरा तो पर अब बताना है

कहाँ ग्रेटर नोएडा वहाँ नोएडा रहते हैं और वहाँ से आप रूटीन में लेकर आते हैं तो जो ठीक होते हैं और जब वो दूसरों को बताते हैं तो वो जल्दी ठीक होता है हाँ, मैं लेके आई भी हूँ हाँ। बीस पच्चीस दिन की थेरेपी है चलिए आप स्वस्थ रहे और ये पांच परसेंट रह गया उसको भी पूरा ठीक कर दर्द गर्दन दर्द कमर दर्द गैस एसिडिटी माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है बीमारी की कोई उम्र नहीं है आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका वेलनेस न्यूरो थेरेपी तो देर किस बात की अभी फोन उठाओ कॉल करो और अपने रोगों से अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ